आतिश टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त कुर्बान अली। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त जहां पर दुनिया के 6.5 लाख लोग ज़मीन से हज़ारों फुट बुलंद जहाज़ों में बैठे उड़ रहे हैं, वहां पर हज़ारों लोग समंदर की सतह से नीचे अब्दोज़ पर मौजूद हैं। न्यूक्लियर अब्दोज़ दुनिया के महंगे तरीन हथियारों में से एक है। उनकी बड़ी ताकत उनकी खामोशी है। अपनी पूरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ये पानी के नीचे गुजार देती हैं। इस ताकतवर हथियार में सबसे नाजुक चीज़ इसका अमला है। तो चले फिर धात के इस डब्बे में रहने वालों की ज़िंदगी की एक झलक देखते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर के बटन पर प्रेस करके प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बिल की अलामत को भी दबा दें। मुअज़्ज़िज़ प्यारे दोस्तों, हर कोई अब्दोज़ के अमले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। बहरिया में इसके लिए सख्त शरायत होती हैं, जिनमें से एक नफ्सियात के इम्तिहान भी हैं। लंबी मुद्दत तक एक धात के डब्बे में ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं। किसी की एक गलती लोगों की जानें खतरे में डाल सकती है और मजबूत आसाब भी ज़रूरी हैं। एक वक्त में इसको एक माह तक के लिए प्लान किया जाता है। एक वक्त में जेरे समंदर और बग़ैर सतह पर आए सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड जो पब्लिक में है वो 11 माह का है, जो एक अमरीकी अब्दोज़ का है। मुअज़्ज़िज़ प्यारे दोस्तों, अमेरिका की एक वक्त में 60 से 70 अब्दोज़ें आलमी पानियों में होती हैं। लंबा अरसा बगैर सूरज के एक छोटी सी जगह में बंद रहना आसाब पर असर डालता है। एक न्यूक्लियर अब्दोज़ कितना अरसा पानी के नीचे रह सकती है, इसका इन्हिसार सिर्फ इस पर है कि इसमें खुराक कितनी है। इसके रिएक्टर्स में एक ही बार ईंधन डाला जाता है, जो इस अब्दोज़ की पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। हवा और पानी को रीजनरेट किया जाता है, इसलिए खाना यानी इस पर बसने वाले अमले के लिए ईंधन वो वाहिद चीज़ है जो ये तय करती है कि कितना ज़्यादा वक्त इस एक गुत्ते में लगा सकती है। अब्दोज़ के अमले का वक्त 8 घंटे की 3 शिफ्टों में तकसीम किया जाता है। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे का प्राइवेट वक्त जिसमें वो खेल सके, पढ़ सके, वर्जिश कर सके, और 8 घंटे की नींद रहने के लिए जगह बहुत कम होती है। और छोटे ताबूत नुमा बिस्तर जिस पर एक पतला सा पर्दा अलग करता है, प्राइवेसी का कोई खास तसव्वुर नहीं। एक दिन में हर वक्त किसी ना किसी के सोने का वक्त होता है, किसी ना किसी के सोने का वक्त होता है, इसलिए ऊंची आवाज, शोर मचाना या दरवाजे जोर से बंद करना मना है। आम तौर पर अमले के अफराद की तादाद यहाँ के कुल बिस्तरों में से ज़्यादा होती है, इसलिए बिस्तर शेयर किए जाते हैं एक शिफ्ट में एक के लिए, वही अगली शिफ्ट में दूसरे के लिए। जगह का मसला सिर्फ बिस्तरों का नहीं, शावर और टॉयलेट का भी है। 100 से ज़्यादा के अमले के लिए 2 शावर होते हैं और 3 मिनट से ज़्यादा नहाना मना है। अब्दोज़ नहाने का पानी समंदरी पानी से फिल्टर करती है। कपड़े धोने के लिए सिर्फ एक जगह है। टॉयलेट का इस्तेमाल भी ध्यान से किया जाता है। फुजला एक ख़ास टैंक में जमा होता है जिसे मुनासिब वक्त पर अब्दोज़ से खारिज करना होता है। अमले की तफरीह के लिए ताश, बोर्ड गेम्स, वीडियो गेम्स वगैरह मौजूद होती हैं, जिनसे एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी हो सके।
सबसे ज्यादा जगह अब्दोज का इंजन लेता है। अब्दोज का निफ्स हिस्सा भी इंजन ही होता है। दूसरे नंबर पर किचन, यहां पर अच्छे और तरह तरह के खाने मौजूद होते हैं। हफ्तों समंदर के नीचे स्ट्रीस वाली जिंदगी गुजारने वाले अमले को खुश रखने के लिए ये जरूरी है। शुरू में ताजा खाना मिलता है, इसके बाद टीन के डब्बों में महफूज किया हुआ खाना मुहैया किया जाता है। अब्दोज पर इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं और बाहरी दुनिया से रब्ता सिर्फ उस वक्त होता है जब अब्दोज सतह पर आए, और ऐसा कम कम होता है। रब्ता करने वाली अब्दोज का पता लगाना आसान नहीं और खामोशी इसके लिए अहम है, इसलिए ये रब्ता कम होता है। अब्दोज का अमला अपनी फैमिली या दोस्तों से हफ्तों या महीनों किसी किस्म का रब्ता नहीं करता। इस अमले की आपस की दोस्तियां गहरी और तमाम उम्र रहने वाली बन जाती हैं। कुछ लिखे हुए असूल यहां पर चलते हैं, जैसा कि किसी भी मुतनाज़ा मामले पर कोई बात नहीं करता, सियासत जैसे मौजू कभी भी जेरे बहस नहीं आते। जिंदगी गुजारने की अपनी रवायात और तरीके होते हैं, उनको फौजी डिसिप्लिन की कई चीजें भी माफ होती हैं, जैसा कि हजामा या रोजाना शेव के बारे में। जब ये ट्रिप से वापस आ जाएं तो फिर ये दोबारा लागू हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ प्यारे दोस्तों, अब्दोज की जिंदगी हर के लिए नहीं। बगैर ताजा हवा और धूप के हफ्तों बंद जगह पर हजारों लोग इस वक्त धात के इस कैप्सूल में बंद दुनिया के हर समंदर के नीचे तैर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ प्यारे दोस्तों, आपको बताता चलूं, पाकिस्तान की इस वक्त की मालूमात के मुताबिक 5 एटमी अगस्टा अब्दोज़ें समंदर में मौजूद हैं। आतिश टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इसके साथ ही अपने दोस्त कुर्बान अली को इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।